3500 किलोमीटर, दो बंदे और ये विशाल हिमालयस। इस चुनौती से भरा व दिल के करीब सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं चितकुल गांव में, हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव जो कि चाइना तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, पर अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। यहाँ के लोग, हवा और वातावरण अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इस गांव तक पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है शिमला से। कभी कभार जिंदगी में ना असली सुकून घर पे मिलता है। चाहे तुम पूरी दुनिया घूम लो, विश्व का भ्रमण कर लो, और पिछले 3 महीने यूरोप में लगाने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने घर में, अपने इन पहाड़ों में। ये है हमारी भूमि हिमाचल प्रदेश, और आज मैं हूँ इन दिस ब्यूटीफुल वैली ऑफ शिमला, और हम जा रहे हैं हमारी इनसेन अनसीन हिमाचल के ट्रिप पे। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बंदों से मिलाता हूँ क्विकली। बॉयज, व्हाट्स योर नेम? प्रमोद रेड्डी। प्रमोद रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद। रेड्डी चंडीगढ़ फ्रॉम इसने तो छोड़ ही दिया था बात। विष्णु, इनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा सीधे डांस कर में जब हम डैश कैम में पहुंचेंगे। सो भाई लोग, टेल मी समथिंग, यू गाइस आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद, राइट? हैदराबाद टू शिमला वन गो। बंदे हैदराबाद से पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या बोलते हैं, मामा? है मामा, मामू। शिमला में एक दिन स्पेंड करने के बाद हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और निकल पड़े अपने अगली मंजिल की तरफ। पर उससे पहले हमारी कम्युनिटी बड़ी हो चुकी है, तो हमें एक इंट्रोडक्शन करना तो बनता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। उस इंट्रोडक्शन के नाम पे शिवरिक्स पेश किया जाए। मेरा नाम शिवम शर्मा है, शिवरिक्स मेरा ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम भाई के साथ ही चूज किया था। जैसे भाई का नाम वंडर विद स्काई है, स्काई का मतलब होता है आकाश, आकाश भाई का नाम है, बस ऐसे शिव मेरा नाम है, ऑरिक्स मेरे ब्रांड का लोगो है, सर्च कर लेना ऑरिक्स क्या होता है, और रॉक्स मत बोलना, शिव रॉक्स। हम दोनों हैं हिमाचल के एक छोटे से टाउन से रहने वाले, इसका नाम है पालमपुर। मैं हूँ एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, मैं दुनिया घूमता हूँ और अब मेरी जिंदगी बन चुकी है। शिवम है हमारा एक फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन और इंस्टाग्रामर, क्योंकि मेरी मैंने इसको चुन लगाया, और आजकल मैं गाने भी गा रहा हूँ, और आजकल यही गायक इमदादियों में खो गया। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं आज ऑन अ वेरी क्रेजी ट्रिप। ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई फॉर मी, इट स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव, और गुड़गांव से मैंने 280 किलोमीटर ड्राइव किया स्ट्रेट टू चंडीगढ़ लास्ट नाइट, जहाँ से मैंने शिवरिक्स को पिक किया। और शिवम को पिक करने के बाद हम लोग पहुंच गए एग्जैक्टली तो शिमला, जहाँ पे शिवम ने ज्यादा ड्राइव किया। और शिमला में हम कहाँ रुके शिवम? नेगी होम स्टे। नेगी भाई अपने सुपर स्वीट, दो बजे तक भाई हमारा वेट कर रहे थे, विच इज ऑब्वियसली फॉर अस इट्स अ ग्रेट डील है। तो इफ यू कमिंग टू शिमला, चेक आउट नेगी होम स्टे, लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं इंस्टाग्राम का, यू कैन हिट देम अप। तो गाइस, आज हम शुरू करेंगे हमारा क्रेजी ट्रैवल प्लान जो कि डिवाइडेड है 3 फेजेस में, और ये फेजेस कुछ ऐसे हैं। फेज नंबर 1 है हमारा कि हम लोग करने वाले हैं स्पिति सर्किट, जो शुरू किया हमने गुड़गांव से चंडीगढ़ से हम जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप इज गोना बी एट चितकुल, चितकुल का पूरा जो लास्ट विलेज ऑफ दैट वैली है हिमाचल। उसके बाद हम उतरेंगे रिकोंगपियो क्रॉस करते हुए, कल्पा नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे नाकू, और इस बार हम लेके जाएंगे आपको हम नाकू लेक पे। और उसके बाद दोस्तों नाकू से हम उतरेंगे स्ट्रेट काजा क्रॉसिंग, क्यू क्रॉस करते हुए, टाबू क्रॉस करते हुए काजा पहुंचेंगे। काजा पे अभी प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज एंड वी विल एक्सप्लोर काजा। उसके बाद काजा से हम उतरेंगे सीधे चंद्रताल, पीछे की रोड से पहुंचेंगे सीसू मनाली। ये हमारा फेज 1, मनाली में पहुंच के रीस्टॉक करेंगे, और फिर होगा फेज 2 शुरू, जो कि मैंने किया हुआ है, शिवम के लिए पहली बार है। फेज 2 की शुरुआत होगी मनाली से, अटल टनल क्रॉस करके हम पहुंचेंगे हमारी रात की पहली डेस्टिनेशन जो कि है चिस्पा गांव, एंड अगली सुबह हम पहुंचेंगे ताजा चेक पोस्ट पे, जहां से वी विल एंटर अ वैली विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो कि है जांस्कर वैली। जांस्कर वैली में हमारा जो पहला डेस्टिनेशन होगा वो होगा फुक्तर गुम्पा, जहाँ पर शिवम को जाने का बहुत मन है, और पिछली बार भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। एंड देन वी विल ड्राइव ऑल द वे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ जांस्कर वैली, जो कि है पदुम। पदुम से हम लेंगे जांगला का रास्ता, जो कि जाएगा वाया लिंगशिट मॉनेस्ट्री। वी विल बी क्रॉसिंग सिरसिरला पास एंड सांगला पास वाइल रीचिंग लामायुरु। लामायुरु टच पॉइंट करने के बाद वापस हम टारमैक में आ जाएंगे, और कुछ 200 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद वी विल हिट लेह सिटी, जहाँ पे हमारा फेज 2 खत्म होगा। अब हमारा फेज 3 स्टार्ट होता है लद्दाख। फेज 3 में वी विल स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम लेह, एंड हम लोग क्रॉस करेंगे द फेमस चांगथांग वैली टू हेड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हानले में। वहाँ पे एक रात गुजारने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग विल मेक अ वे टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, जो कि है उमलिंग लैट 19,000 फीट, एंड देन फाइनली ऑन डे 3 वी विल कम बैक टू लेह, एंड वहाँ पे वी गोना मीट माय फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे एक प्रॉमिस किया, दे गोना शो मी अ वेरी हिडन विलेज,
एंड देन वी गोना कम बैक टू ले और यहाँ पे हमारा फेज थ्री खत्म होगा. उसके बाद वी विल हेड इन टू आर फेज फोर जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम ले एंड हम लोग ट्रैवल करेंगे ऑन द ले मनाली हाईवे टू लाहौल जो कि ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर होगा एंड वहाँ से हम लेंगे राइट टर्न इन टू द फेमस उदयपुर किलाड़ पांगी सर्किट जहाँ पे है डेथ हैंगर रोड्स वन ऑफ द क्रेजेस्ट ऑफ रोड्स. उसके बाद हम साच पास एंटर करके विल मेक आर वे थ्रू चंबा टू बैक होम जो कि है पालमपुर. और ये हमारी पूरे सर्किट है कुछ 24 से 27 दिन का डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ ज्यादा रुक जाते हैं. एंड दिस इज द एग्जैक्ट रोड मैप काफी डिटेल्ड है आप लोगों के लिए. आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सर्किट मैंने पहले भी किया हुआ है तो अगर आप देखना चाहते हैं एग्जैक्टली चंडीगढ़ से लेके स्पीति तक पहुंचने में सड़क कितनी सुंदर लगती है तो ये रहा प्लेलिस्ट का लिंक. उसमें आप 5 दिन में पूरा स्पीति टूर चेकआउट कर सकते हैं. पहला स्टॉप ले लिया है हमने एंड नाउ वी हैव स्टॉप टू ईट सम ऑथेंटिक पहाड़ी खाना बिकॉज इसके बाद तो मतलब ढाबों का खाना ही खाना है. तो हम लोग आ गए हैं खादू में और यहाँ खाएंगे हम राजमा चावल और थोड़े से सिद्धू और आपको भी दिखाएंगे कि सिद्धू कैसे होते हैं. फिर से मिले ये हमारे भाई है इनका कल्पा में स्टे है. अरे ऑसम थैंक यू सो मच जी. कौन जाएंगे वैसे गाइस राजमा चावल और सिड्डू 8-9 यमी इन द टमी. तो चलो पेलना शुरू करें. मस्त पेट पूजा करने के बाद और 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे रामपुर. रामपुर इज लाइक वन ऑफ द बिग टाउन्स one of the last towns on this circuit. और अब ड्राइवर चेंज हो चुका है शिवोरिक्स भैया चला रहे हैं अब जांसकर को. अराउंड 5.5-6 घंटे बचे हैं टू रीच चितकुल और रात के दिखा रहे हैं 11 बजे पहुँचेंगे हम लोग. अब 11 बजे तो बहुत ज़्यादा होता है सो अगर हम चितकुल हमें लगा क्यों हम अगर रुकते हैं फिर से तो 11:30 हो जाएगा. तो वी गोना फिगर आउट कि अगर हम इफ वी आर अ लिटिल अर्ली देन वी वुड प्रॉब्ली जस्ट गो एंड सॉरी इफ वी गेट अ लिटिल लेट देन हम लोग कहीं पहले रुक जाएंगे इन सम अदर विलेज. क्लाइम कर रहे हैं हमारा रास्ता. आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है आगे सड़क बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लेकिन भाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे और ये जो रास्ता है इसके बगल की खाई और गहरी होती है काफी. आई थिंक हमें रुक के ना वी शुड जस्ट ओपन द लाइट्स नाउ. हां भाई सो दैट वी हैव लाइट्स एनफ लाइट्स आगे टू एक्चुअली थोड़ा आगे करते हैं अभी तो नहीं निकाल लेते हैं जाइए बाहर ही आ जाए. फोरिक्स हां जी भाई आवाज आ रही है. आवाज तो फुल पावर आ रही है. बोले भाई जी दोस्तों ये रहे हमारे आज हम इस पे कवर नहीं लगाएंगे आज हम बाइट पे चलेंगे. फुल पावर ठीक है. तो गाइस ये आगे वाला है और ये रिकॉर्ड यहां देखो यहां जादू होगा यहां मेटअप कर जादू है नशा है मद अपने मुंह पे भी मार लेता हूं जादू है नशा है. अब आगे से दिखाओ फ्रंट व्यू. अब लाइटें हो गई है अब इतनी लाइट है गाइस आगे से कोई हमको फेस करने ना आए. अब हां बस कोई भी आएगा तो शिवम ऐसे ना तीनों उंगली लगा के बैठेगा ऑन ऑफ हां. अब हम चढ़ रहे हैं टूवर्स चितकुल और कल सुबह तुम्हें हम सीधे चितकुल में मिलते हैं ठीक है. रात को व्लॉग करना मुश्किल होते जा रहा है. रोड हिट करते हैं तुम्हें कल सुबह मिलता हूं. गंगोर अंधेरा है भैया गंगोर अंधेरा. और जब अगली सुबह हम उठे तो रात के जो अंधेरे में हमने मिस किया था वो नजारे देख के दिल को कुछ अलग सा ही सुकून मिला. दोस्तों फाइनली पूरी रात लगाने के बाद हम पहुंच गए हैं चितकुल में और हम बहुत फेमस लैंडमार्क पे पहुंच चुके हैं चितकुल के.
अगर आप आ रहे हैं तो पक्का इस लैंडमार्क पे है। ये है हमारे ग्रम्पी भैया, इनका स्पॉट है। नहीं, ये है तो ग्रम्पी स्पॉट है। हाँ, मिलेंगे आपको तो फेमस ग्रम्पी भैया। ये अगर आपको नहीं पता कहाँ है, इसका नाम है लैबस्टेस द वॉन्डर्स नेस्ट। ठीक है, नीचे लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक बहुत फेमस लैंडमार्क मिलेगा। देखो ये गाँव गाँव से लोग आते हैं इनको देखने के लिए, इतने फेमस है ये यहाँ के। हेलो जी, यही देखना। मस्ती फन करने के बाद शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी सुंदर वैली है। वी फाइनली मेड इट टू द लास्ट विलेज ऑफ दिस वैली, इसका नाम है चितकुल, एंड हम हैं चित्तम चितकुल गांव में। अभी अभी उठे हैं, थोड़ा बहुत काम किया। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत सुंदर गाँव है आपका। नमस्कार जी। हम भी जी पहाड़ी हैं, हम कांगड़ा से हैं। अच्छा, कांगड़ा से लोग जी। आ रहे हैं। हाँ, काम करके। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेट वन ऑफ आवर वेल विशर्स भाई, भाई रुपेश। रुपेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड सेइंग हाय। तो रुपेश ने जांसकर को देखा, एंड देन रुपेश जी वाज लाइक ओके, इस बंदे से मिल लेते हैं, आसपास ही होगा। देन दे स्पॉटेड अस, मैं ऊपर के घूम रहा था, एंड ही वांटेड मी टू सी हिज ऑसम नेक्सॉन, जिन्होंने आईडी डिजाइंस, रिमेंबर हमने जांसकर से मॉडिफाई कराई थी, उनसे इन्होंने डिकॉर्ड सम वर्क डन। अरे वाह, शिव के भक्त, तो आपने सारे के सारे जाओ, जा जा भाई जी को शिव मंदिर या शिव के नाथ के धाम जाना, मिल सकते हैं भाई ने सारे कवर करने हैं। भाई कितने कर लिए आपने? अभी मेरे 4 हो चुके हैं। कौन कौन से? केदारनाथ, एंड देन महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ये मध्य प्रदेश में है ना? नहीं नहीं, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। मैंने ये किया है महाकालेश्वर, ये उज्जैन है। ये उज्जैन है, ये उज्जैन, ये तो केदारनाथ हो गया। ये महाराष्ट्र, ये अपना उत्तराखंड, एंड देन ये फिर साउथ वाला सर्किट है, ये आपको ये भी करना है। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू, थैंक यू भाई, विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना चितकुल, अब आई सी यू। सर हाथ मारेंगे, 1 2 3। बिल्कुल आखिरी गांव है ऑन द सर्किट टू द चाइना बॉर्डर। यहाँ से चाइना बॉर्डर कुछ पड़ता है आपका, आई थिंक 70 किलोमीटर के आसपास। राइट बिहाइंड मी व्हाट यू कैन सी इज द चितकुल देवी मंदिर। चितकुल देवी का मंदिर, और आप देख सकते हो पूरा वुडन वर्क कर रखा है। ये इनका कोर्टयार्ड है जहाँ पे जाना अलाउड है, मंदिर वो है उसमें जाना अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो द मंदिर इज शॉट, लिखा भी हुआ है उसके ऊपर बोर्ड पे, चितकुल देवी मंदिर। और आप देख सकते हो द काइंड ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन ऑन द मंदिर, लाइक चेक आउट द वुडन वर्क, नेस्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वैली। यार क्या जगह है, मजा आ गया। क्या नाम है आपका? अयान। हेलो अयान, आओ हेलो तो करो। जतिन पुजारस। जतिन पुजारस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका नाम? अयान। अयान, आपका नाम? जंजीरी। हेलो जल्दी, आपका नाम? सानिया। सानिया, तो ये क्या बात है काली? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये जो जीतनी है। हाँ, ये वाली भाई हैं जिनके होम स्टे में हम रह रहे हैं। क्विकली इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बड़ी, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? या, हाय, दिस इज अर्पित। अर्पित, अर्पित भाई, व्हाट्स योर प्रॉपर्टी नेम? इट्स कॉल्ड लैबस्टेस वॉन्डर्स नेस्ट। वेरी नाइस, और काफी सही प्रॉपर्टी है। सुबह तुमने देखा होगा जहाँ पे वो कुत्ता चढ़ के बैठा हुआ था, वो वाला स्पॉट के वही इनकी प्रॉपर्टी है। भाई, इफ यू वुड हैव वुड आई वांट टू टेल मी 3 वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस विलेज, व्हाट वुड दे बी? क्या होंगे वो 3 गजब की बातें जो तुम्हें सबसे फैसिनेटिंग लगती है अबाउट दिस विलेज? First one is the air. It's the cleanest air in India. Achha, it's been certified. Yeah, it's been certified. Wow.
Secondly, like this place is like there are so many myths around the place. So this place is operation accessible throughout the winters. Acha. So it's just the mode of getting here changes. Acha. Yeah. And what's the third one? Because like facial features resembles to China. Acha. But like yeah. So Tibetan, a lot of Tibetan featuring people, but yeah. They're not Buddhist. They're more Hindu. Yeah, more Hindu. Devi Devta. बहुत बढ़िया. बहुत. और मैं एक और चीज़ बता दूँ. बहुत fun fact. यहाँ के लोगों को पीने पाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है. We've reached to the viewpoint of Chitkul, and आप देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है. Now the plan is to enjoy our time, drive back to Raksham, and वहाँ से सांगला होते हुए कल्पा. पता नहीं रात को कल्पा रुके या सांगला रुके, we have no idea. But for now, this is Chitkul. Let's hit the road and get into exploring. Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. तो है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू वंडरविट्स का एंड शिवारिक्स के किचन में आप सबका स्वागत है. और ये भाई देख रहे हो क्या बात है, आकाश भाई एकदम बहुत सस्ते कैमरा यूज करते हैं भाई. ये है आपका A7S3, इसमें लेंस लगा हुआ है. 2 लाख रुपए का सस्ती चीज है, यू नो. मेरा देखो, 2 लाख का पूरा कैमरा लेंस समेत आ गया था. एनीवेज अभी क्या हुआ, यहाँ पे काफी फैंसी अंकल आंटी आए हुए थे और वो गाड़ी देख के इंप्रेस हुई. कहता वी ऑल्सो, पहले मैं गाड़ी चला रहा था, मैं 4x4 लगा के, कहते वी ऑल्सो ओन अ थार एंड योर थार इज ग्रेट. सो व्हाट ऑल व्हाट डू यू हैव, मैं से मैं कह मेरे भैया पीछे खड़े हैं, जाओ जितने सवाल है तुम्हारे मन में पूछो. क्योंकि यार हमको पता है वहाँ डिक्की है, वहाँ सामान डलता है, हमें क्या पता कहाँ से लगवा रखी है भाई ने डिक्की. तो ये तो भाई बता सकते हैं, है ना. फिर भाई ने ज्ञान दिया और जो जो अंकल आए थे, जो उनकी आंटी थी, मतलब जो उनकी वाइफ थी, वो भाई को क्या कहती भाई, What do you do? I said, ma'am, I do this full time. Achha, I hope you earn enough to survive. Music. Isi baat pe music. To is gaon ka naam kya hai, Shivam, ye bata. Is gaon ka naam hai Raksham. Sangla, Raksham, Chitkul. Welcome back to Shivarik's and Wonderwit's guys kitchen. Aur ye jo hai yahan pe pehle tipni kar lete hain. Iske sponsor hai, jo piche lakda laga hua hai. Lakda laga hua hai. Iske sponsor hai. Thank you, mom. Thank you, mom and dad. तो मैं घर में आने लगे आकाश भाई की मम्मी पापा ने क्या करा, ब्यूटेन कैन पड़े थे तो बहुत ज्यादा, भाई ने बहुत ज्यादा रखे थे तो उनको लगा कि यार इतने ज्यादा ब्यूटेन कैन घर में नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने फेंक दिए. एनीवेज दे वर आल्सो राइट. लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ कि हमारा ओवरलैंडिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, क्योंकि मैं शूट पे था और भाई आ रहे थे दिल्ली से. तो भाई कहते हैं कि शिवम ब्यूटेन कैन नहीं है, और कह कब रहे हैं 6:30 बजे, अभी मेरा शूट खत्म नहीं हुआ और 8:30 बजे तक मैक्स टाइम है मेरे को ये कैन लेने का. फिर बड़ी मुश्किल से मेरे को ये कैन मिला जो फिट नहीं, फिट भी नहीं होता. पानी हुए, पानी निकल गया पूरा, ये गंदा गंदा शेफ. अरे अभी आप देखो भाई, ये जो कड़ रहा है ना, बगैर पत्ती के कड़ के भी टेस्ट आता है. ये कॉफी कलेक्शन आज भाई पिएगा, स्लीपी आउल का वनीला. खोलो शिवरिक्स. ओके ओके, ये चल रहा है बहुत एक्सपेंसिव शो. वाओ, अब निकालो, ऐसे निकालो ऐसे लगना चाहिए मजा आ जाए. रस्सी के साथ, महंगा महंगा एक्सपेंसिव. Wow. Oh shit, ये मत करो. अब चलो, अब डालो. रुको रुको, ये भी सिनेमैटिक स्टफ करेंगे. हाँ डालो, चलो डालो. I'll tell you how to make expensive tea. For that, first you need to go to Ramada Plaza. Ramada बोले तो Ramada Hotel. वो आप चंडीगढ़ में भी जा सकते हो, जेकपुर में भी जा सकते हो. आप वहाँ जाओ, वहाँ रहो, 6-7 हज़ार का कमरा मिलेगा बढ़िया, जो कि मैंने मेक माई ट्रिप की वजह से प्रमोशन ली, 4,500 का लिया. और उसके बाद वहाँ पे मैंने जो चाय पत्ती पड़ी थी वो वहाँ से उठा के डाली. आई होप आप भी ये सब करते होंगे, हमने तो किया भाई. और वो चाय पत्ती, दूध, मिल्क पाउडर सब कुछ मेरे पास पड़ा है, उसी की बनेगी एक्सपेंसिव चाय. जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. ये भाई बहुत सस्ती बोतलें आप पकड़ो भाई, डोंगा पतीला है ये उनके लिए ना, जो बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं. सिनेमैटिक सिनेमैटिक. ओके, सेकेंड डे आज टेक्निकली हमारा, एंड अभी हम है रक्षम में, हम निकल चुके हैं. सो भाई शो दिस स्पॉट, ये आपने तो बता दिया था पहले कि यहाँ मैंने रील बनाई है, बट आई स्वेयर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस स्पॉट
But I don't know why ये थोड़ा सा कचरा फेंक के चले गए locals यार ऐसा मत करो भाई. हाँ यार please. हम लोग I think ये locals थोड़ा साफ करके जाएंगे. साफ करके तो जाएंगे but please यार मतलब इतना सुंदर spot है और ये अपने footprints मत छोड़ के जाओ. दोस्तों इसी के साथ ये vlog के अंत में हम पहुँच चुके हैं. I would just say that जीने का असली मतलब जो मेरे को हमेशा महसूस होता है वो तब होता है जब मैं इन extreme altitudes में आके लोगों को जीता हुआ देखता हूँ. एंड आई सी हाउ दे से भाई इज वेन यू रियलाइज हाउ लग्जूरियसली वी लिव आवर लाइफ्स. तो आप सबके लिए वन लास्ट टाइम आप लोग आ रहे हैं डेफिनेटली दिस व्लॉग इज गोना रियली हेल्प यू. उम्मीद करता हूँ आपके व्लॉग पसंद आया. अगर आया तो क्या करना चाहिए भाई सब्सक्राइब और लाइक के बटन को फोड़ दो. नहीं फोड़ा तो फिर देख के व्लॉग फायदा नहीं है. अगले व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. प्लीज फोड़ दो यार. पॉइंट ये है कि सफर बहुत लंबा है और आज दिन नंबर दो है. दिन नंबर दो और अभी 27 में से 25 दिन बचे हैं. तो दोस्तों अगर और ब्लॉग्स देखने तो प्यार बनाए रखें. 3, 2, 1 शिवम नाचता हुआ नाच नाच नाच.